नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। पीडीएफ कहाँ डली है? पीडीएफ कहाँ डली है? पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में बेटा पीडीएफ डली हुई है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। बेटा टेलीग्राम पर डली हुई है ग्रुप में, आप ले लीजिए वहां से। माही यादव टेलीग्राम में डली हुई है, आप वहां से एक्सेस कर लीजिए। वेलकम सभी को। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं जिससे क्लास कंटिन्यू करें। रश्मि पांडे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। सभी लोग कहाँ कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं, जरा कमेंट में बताएं। सर हमें पावर पॉइंट के बारे में समझना है। ओके बेटा, पावर पॉइंट की भी क्लास आपके लिए लेंगे, टेंशन मत लो। माखन गुड इवनिंग। गंगा दिन कहाँ मिले बेटा? आपकी टेलीग्राम पर एमपीसीपीसीटी के नाम से जो टेलीग्राम है उस पर आपका दिया हुआ है पीडीएफ, वहां से आप एक्सेस कर लीजिए। पूरी आपकी फुल फॉर्म दी हुई है। माखन रश्मि पांडे सागर सिटी। ओके माखन खंडवा। गंगा दीन छतरपुर। और कहां से हैं सभी लोग? माही यादव ग्वालियर। ओके सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर का सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। कल हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। अंजू ग्वालियर सर एंड सोर एक्सेल के बारे में भी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एक्सेल के बारे में भी बताएंगे, पावर पॉइंट के बारे में भी बताएंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, सब कुछ बताएंगे आपको। साक्षी तोमर अलीराजपुर। ओके ओके मैं बेटा ग्वालियर से हूं। तेजबाग छिंदवाड़ा एमपी। ओके सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं जिससे क्लास को कंटिन्यू करें। ग्वालियर में बेटा, ग्वालियर से। अंजू राजावत अभी क्या है, ऑफलाइन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑनलाइन चल रहा है, आप ऑनलाइन अभी पढ़ लीजिए, जब भविष्य में ऑफलाइन आएगा तो आपको यूट्यूब पे हम अपडेट कर देंगे, अभी हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा।
साक्षी तोमर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम बेटा। हम ग्वालियर से हैं बेटा, ग्वालियर से, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है बेटा, जानते होंगे आप। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, जल्दी से लाइव आ जाएं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। माही यादव बेटा, मैं ग्वालियर से हूं। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, सर सीपीसीटी का सेंटर खुद से चॉइस कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हो, लेकिन उसमें ऑप्शन देना रहता है कि हम ग्वालियर लेंगे, हमें तीन सिटी के बारे में बताना रहता है, तो वो क्या है, जो नियरेस्ट आपका प्लेस होता है वहाँ पर आपको सेंटर वो आपका दे देते हैं। चलो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कंप्यूटर का हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमारा डिस्कस चल रहा था। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है OCR। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका काम क्या होता है, ये हैंड रिटन टेक्स्ट को रीड करता है। ये क्या करता है, हैंड रिटन टेक्स्ट को रीड करता है, जिसको इसका काम क्या है, जो प्रिंटेड या हस्तलिखित हैंड रिटन टेक्स्ट होते हैं उनका विश्लेषण करने के लिए हम इसका यूज करते हैं OCR। और ये क्या है, ये हमारा किस प्रकार का होता है, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है बेटा। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जो हमारा ये दिया हुआ है। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हाथ में पकड़ने वाला एक क्या है, स्कैनर है, जो क्या करता है, इसको रीड करता है, जो हाथ से लिखा हुआ मैटर होता है उसको ये रीड करता है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, OCR। और कैसा है आपका इनपुट डिवाइस है, कैसा है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट होता है हमारे पास बारकोड, नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास बारकोड रीडर। क्या होता है बारकोड रीडर, कई बार आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट का क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट पर एक बारकोड लगा होता है। क्या लगा होता है, इस तरह के की एक पट्टी लगी रहती है, चौड़ी चौड़ी पट्टी लगी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बारकोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बारकोड रहते हैं। इस बारकोड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में रहती है, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में, इस तरीके की जो प्राइस में क्या डिस्काउंट है प्रोडक्ट में, तो वो सारी डिटेल हमारी कहाँ मिलती हैं, इस बारकोड में मिलती हैं। इस बारकोड को जैसे आप कैश पेमेंट पर जाते हो, कैश काउंटर पर जाते हो, तो वहाँ आप क्या करते हो, वो क्या करता है, प्रोडक्ट को हटा के उस बारकोड पर हाथ से पकड़ने वाला एक उसमें क्या होता है, एक इस तरीके से एक बारकोड रीडर होता है, जिससे क्या लेजर लाइट डालता है, तो उस कंप्यूटर पर वो सारी डिटेल आपकी प्रोडक्ट की आ जाती है। तो वो हमारे पास होता है दोस्तों बारकोड रीडर। क्या होता है बारकोड रीडर, देखिए तो ये काम क्या है इसका, इसे हम पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी कहा जाता है। BCR का प्रयोग कोड से सूचना को पढ़ने के लिए किया जाता है। इस कोड में अलग अलग चौड़ाई की समानांतर रेखाओं समूह होता है, जो इन रेखाओं की कोडिंग होती है, और रेखाओं की लंबाई से नहीं बल्कि चौड़ाई से होती है। ये क्या है, ये चौड़ाई से डिपेंड करती है। और कई बार ये पूछा जाता है, बारकोड हमारा 13 अंक का होता है, कई बार एग्जाम में आता है बारकोड हमारा कितने अंक का होता है, तो 13 अंक का होता है। और इस बारकोड को जो स्कैन करता है, जो रीड करता है, वो हमारा कहलाता है बेटा बारकोड रीडर, जो हमारे क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है हमारा, किसकी कैटेगरी में आएगा, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
क्या है हमारा ये बारकोड, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका बेटा बारकोड है। इस बारकोड को जो रीड करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बारकोड रीडर कहलाता है। जब भी कभी आप स्पीड पोस्ट करने जाते हो पोस्ट ऑफिस में, उस समय भी बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। आप किसी प्रकार के मॉल में भी जाते हो, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहाँ पर भी बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, बारकोड रीडर। नेक्स्ट हमारे पास MICR। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है दोस्तों, MICR, इसका पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है, ये चेक को आइडेंटिफाई करता है, जो बैंक में चेक यूज होते हैं, जिनसे हम पैसे निकालते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, चेक होता है। तो इसका प्रयोग बैंक में चेक भुगतान पेमेंट के लिए किया जाता है। MICR कोड चेक निचले हिस्से में लिखा होता है, जिसे MICR बैंड कहा जाता है। MICR कोड के द्वारा जो चेक की सिक्योरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस पर एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है जिसको हम MICR कोड कहते हैं, और MICR जो कोड होता है वो 9 अंक का होता है। क्या होता है, 9 अंक का होता है। जो हमारा चेक होता है उस चेक में यहाँ पर एक नंबर लिखा रहता है डबल कोट्स में, वो हमारे पास क्या कहलाता है दोस्तों, MICR कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, MICR कोड कहलाता है। ये 9 डिजिट का रहता है। अब बात ये आती है कि जो पहली 3 डिजिट होती हैं वो हमारा सिटी का नाम बताती हैं कि कौन सी सिटी का है, और दूसरी जो 3 डिजिट रहती हैं वो बैंक का नाम बताती हैं, और तीसरी जो 3 डिजिट रहती हैं वो हमारी ब्रांच का नेम बताती हैं। अब बात ये आती है कि बैंक नेम और ब्रांच नेम, इसमें अंतर क्या है। जैसे हम बात करें कि हमारी कोई दिल्ली सिटी है, क्या है हमारे पास, दिल्ली सिटी है, और दिल्ली सिटी में बेटा हमारे पास जो ब्रांच है वो हमारी SBI है। क्या है, ब्रांच हमारी SBI है, लेकिन इसकी जो बैंक का नाम है वो क्या है, SBI है, लेकिन इसकी ब्रांच क्या है, बहुत सारी इसकी शाखाएं खुली हुई हैं। एक हमारी नोएडा में है, एक हमारी लाजपत नगर में है, एक हमारी मुखर्जी नगर में है। तो इस तरीके से इनको क्या कहते हैं, ब्रांच नेम कहते हैं, जो शाखा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पूछा जाता है कि MICR जो कोड होता है वो हमारे पास 9 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 9 अंकों का होता है। इसको हम चेक में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास MICR मशीन है, इसमें चेक लगा रहे हैं, और ये क्या करता है, चेक को वेरीफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्विक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्विक रेस्पॉन्स। सबसे पहले क्या था, हमारे पास बार कोड चलता था। पहले क्या था, किसी भी प्रोडक्ट में हमारे पास बार कोड चलता था। अब इस बार कोड में क्या होता था बेटा, हमारी जो जानकारी होती थी वो ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाती थी। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, एक QR कोड आ गया। क्या आ गया, QR कोड आ गया। जो आपने देखा होगा QR कोड इस तरीके का रहता है, यह एक ऐसा कोड है जिसमें काले एवं सफ़ेद स्क्वायर होते हैं। इसका प्रयोग प्रोडक्ट ट्रैकिंग उत्पाद की पहचान के लिए होता है, और जैसे हम इसको स्कैन करते हैं तो इसका क्या होता है, जल्दी से ये हमारा जल्दी से एक्सेस हो जाता है, और इसको एक्सेस करने के लिए हमें किसी अलग हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने मोबाइल के कैमरा फोन से ही इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर लेते हैं। लेकिन जो बारकोड रीडर और बारकोड होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास बारकोड रीडर अलग से हार्डवेयर लेने की ज़रूरत होती है। तो ये आपका एक फ़ायदा होता है, जो हमारा यहाँ पर ये QR है, इसमें कैमरा स्मार्टफोन से इस कोड को आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास QR कोड होता है, जिसमें हमारे पास बार कोड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती हैं। ये हमारे पास QR को एक्सेस करने के लिए QR रहता है। ये हमारे पास क्विक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास जॉयस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का जनरली हम देखते हैं तो जॉयस्टिक का काम होता है गेम खेलने के लिए। कंप्यूटर में जो हम गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो JCB मशीन होती है, जिसको JCB मशीन जो मिट्टी खोदती है, वो उसमें जो गियर होता है वो भी हमारा जॉयस्टिक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है दोस्तों, जॉयस्टिक की तरह काम करता है।
तो ये हमारे पास क्या है बेटा, जॉयस्टिक है। ये क्या है हमारा, जॉयस्टिक है, जो हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कैसा होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम करते हैं कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइलस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टाइलस। तो स्टाइलस का यूज क्या होता है, जैसा कि आपको ये बेटा दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, एक स्टाइलस की कैटेगरी में आता है, जिसका हम मोबाइल में टच करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टाइलस होता है। इसका प्रयोग मोबाइल फोन या प्रोजेक्टर में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कर्जर का नियंत्रण अच्छे से किया जाता है। जो हमारे पास मोबाइल आते थे, तो मोबाइल के साथ में एक पेन आता था, जिसकी सहायता से हम क्या करते थे, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते थे और क्लिक करते थे, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, स्टाइलस कहलाता है। ये क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जिसको हम टच करने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारे पास बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी अपने फिजिकल अंगों का यूज़ करके हम किसी भी की पहचान बताते हैं, तो वो हमारे पास होता है बायोमेट्रिक। क्या होता है, बायोमेट्रिक। जैसे आपने देखा होगा, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, तो आपके क्या रेटिना की आपका वहाँ से आपकी बायोमेट्रिक पहचान होती है। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो आपका थंब लगाया जाता है, तो वो क्या है, बायोमेट्रिक है। वो क्या है, बायोमेट्रिक आपका यूज़ किया जा रहा है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। थंब हम क्यों यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। क्या है, इससे हमारी पहचान होती है। तो इस उपकरणों का प्रयोग किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। बायोमेट्रिक मशीन की सहायता से व्यक्ति के चेहरे, आंख, आवाज़, उंगली या अंगूठे के निशान, उसकी पहचान की जा सकती है। बायोमेट्रिक हम उसके चेहरे का भी यूज़ कर सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, हम आँखों का भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है, उंगली का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंगूठे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हमारी क्या हो जाती है, सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बायोमेट्रिक का हम यूज़ क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी। आजकल आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप क्या करते हैं, अटेंडेंस लगाते हो, बायोमेट्रिक मशीन होती है, जैसे ही वो थंब लगाते हैं, तो आपकी क्या हो जाती है, सर आप जो बोर्ड यूज करते हैं वहाँ कौन सा है। अच्छा, ये वाला बेटा, ये वैसे तो आप, हम जो बोर्ड पर जो यूज कर रहे हैं वो, ये क्या है, ये पेन है। वैसे तो क्या है, पेन है, लेकिन हम इसको स्टाइलस भी कह सकते हैं। क्या, स्टाइलस का जो काम होता है वो स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा स्टाइलस ही है। ये क्या, स्टाइलस ही है हमारा। ये अच्छा, आप जो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, ये आपका बेटा डिजिटल बोर्ड है। क्या है, डिजिटल बोर्ड है। इस बोर्ड को हम कहते हैं डिजिटल बोर्ड। क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिटल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, बताइए जल्दी से, डिजिटल बोर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट में। ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये तो आपको पता होगा डिजिटल बोर्ड का मतलब क्या होता है। ये जो बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड होता है बेटा। क्या होता है, डिजिटल बोर्ड होता है। अब आप समझ सकते हैं कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर का हम यूज क्यों करते हैं, जैसा कि आप जानते हो स्कैनर का यूज क्यों होता है, कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको हमें स्कैन करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैन का यूज़ करते हैं। क्या, स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, स्कैनर का प्रयोग हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। जब भी हमें हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाना होता है, तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों स्कैनर का। क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई इमेज है, कोई भी हमारे पास फोटो है, तो फोटो को हमारा क्या है, फोटो हार्ड कॉपी है, फोटो क्या है, हार्ड कॉपी है, उसको हम स्कैन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं दोस्तों स्कैनर का। क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर का। ये सभी हमारी क्या चल रही हैं, इनपुट डिवाइस चल रही हैं। क्या चल रहे हैं, इनपुट डिवाइस। एक होता है हमारे पास वेब कैमरा।
एक क्या होता है हमारे पास, वेब कैमरा, एक क्या होता है हमारे पास, वेब कैमरा होता है। तो वेब कैमरा का हम यूज क्यों करते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आपको मोबाइल में दिखाई देता है, मोबाइल में आपका वेब कैमरा होता है, बताओ उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में बताएं। मोबाइल में जो वेब कैमरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएं, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। वो बेटा फ्रंट कैमरा होता है। क्या होता है बेटा, फ्रंट कैमरा होता है। क्या होता है, फ्रंट कैमरा होता है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए। जब भी आप सीपीसीटी का एग्जाम देने जाते हो तो आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, वहां पर आपका फोटो लिया जाता है। तो जो फोटो लेते हैं, आपका एक छोटा सा कैमरा लगा होता है स्क्रीन पर, वो आपका क्या होता है दोस्तों, वेब कैमरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों क्या, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास इस तरीके से एक सरफेस होता है, उस पर हमारी बॉल आधी ऊपर रहती है, आधी हमारी नीचे रहती है। इसको हम हथेली से चलाते हैं। इसका यूज हम किस लिए करते थे, पहले जब हम माउस का हमारे पास ऑप्टिकल माउस थे, उस समय हमारे पास ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता था, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल माउस यूज होते थे। तो उस समय माउस के स्थान पर ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल हमारे पास पुराने जमाने के उसमें हमें मिल जाते थे, आजकल इसका यूज नहीं होता है। ये हमारे पास दी हुई है बेटा, ये हमारे पास ट्रैक बॉल है। ये क्या है, ट्रैक बॉल है। ये क्या है, इस सरफेस पर ये क्या लगी हुई है, ट्रैक बॉल लगी हुई है। ये क्या लगी हुई, ट्रैक बॉल। इसको हम हथेली से चलाते हैं। जैसे ही इसको हथेली से चलाएंगे तो हमारा कर्जर भी क्या करेगा, स्क्रीन पर मूव करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ट्रैक बॉल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट पेन। तो लाइट पेन का काम क्या होता है, जब भी हमें कोई भी ड्राइंग करना है कंप्यूटर में तो हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, लाइट पेन का यूज़ करते हैं। और लाइट पेन का जनरली वहाँ पर भी यूज होता है, जब जैसे आपने देखा, जब आप आईटीओ में जब आप लाइसेंस बनवा जाते हो तो आपका एक साइन मांगा जाता है, तो उस समय भी आप किसका यूज़ करते हैं, लाइट पेन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लाइट पेन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, एक पैड होता है, उस पैड पर उस लाइट पेन से जैसे जो आप लिखोगे वो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो वो हमारे क्या क्या होता है, एक पेन होता है जो हमारा कैबिनेट से, हमारा सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, फ्रंट कैमरा। बिल्कुल साक्षी तोमर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट हमारे पास टच पैड। टच पैड, टच पैड तो बेटा आपने देखा होगा, जो आपका लैपटॉप में जो एरिया जो माउस की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अपन फिंगर का यूज़ करके उस कर्जर को इधर उधर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, टच पैड होता है। क्या होता है, टच पैड होता है, जहाँ पर हम उंगली का यूज़ करके कर्जर को इधर उधर मूव करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, टच पैड होता है। ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से भी हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन से फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इनपुट देने का काम करते हैं, किसी भी आइकन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। किसकी में आता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन, जैसा कि आपने जानते होंगे कि मोबाइल में जो हमारे पास आवाज़ जाती है वो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। और आप स्टेज पर जाकर गाना गाते हो, सॉन्ग गाते हो, तो वो हमारा क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि को डिजिटल डाटा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, टेलीफोन रिकॉर्ड, रेडियो, टेलीविज़न प्रसारण, कंप्यूटर गेम खेलने, ऑनलाइन चैटिंग, सभी में इसका यूज होता है। इसके साइज बहुत अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हैं। इसको हम माइक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, माइक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा यहाँ पर जो लगा हुआ है, जिससे हम बोल रहे हैं बेटा, ये भी हमारा माइक ही है। ये क्या है, माइक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा माइक है। इसमें कमेंट चिपक रही है, इसमें डिजिटल कैमरा भी बेटा हमारा क्या होता है, इनपुट की कैटेगरी में आता है, जिससे हम फोटो खींचने के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसको,
फोटो खींचने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे दोस्तों, इनपुट डिवाइस थे। क्या थे हमारे पास, इनपुट डिवाइस थे। अब बात ये आती है प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो उस इनपुट को करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जो हमारे पास होता है सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है, जो हमने इनपुट दिया हुआ है उस पर काम करने का, जो प्रोसेसिंग करने का काम होता है वो किसका होता है दोस्तों, सीपीयू का होता है। सीपीयू हमारे पास क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, जब भी हमारी कंप्यूटर में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद में यूजर को क्या मिलता है दोस्तों, एक रेस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है यूजर, तो यूजर को एक रेस्पॉन्स मिलता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो जो यूजर को रेस्पॉन्स देता है, रिजल्ट देता है, वो को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है हमारे पास मॉनिटर। सबसे पहले क्या आता है, मॉनिटर। तो इसे वीडियो यूनिट भी कहा जाता है। वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यह आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपका आउटपुट दिखाई देता है वो कौन सी कैटेगरी में, वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है। और मॉनिटर हमारे निम्न टाइप के आते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास एक है हमारे पास एलसीडी। एलसीडी हमारे पास आजकल यूज हो रहे हैं, और पहले जो पुराने ज़माने में यूज होता था वो हमारे पास सीआरटी था, जो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता था। एक हमारे पास एलईडी है, जो हमारे पास पावर कम कंज्यूम करता है। और आजकल मार्केट में क्या आने लगे हैं, ओएलईडी भी आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं, ओएलईडी भी आने लगे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, और मॉनिटर के टाइप्स हैं जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है हमारे पास सीआरटी, जो पुराने ज़माने में यूज होते थे, जो हमारे पास पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, उसमें ग्राफिक्स भी क्लियर कम दिखाई देती थी, जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। एक होता हमारे पास एलसीडी और टीएफटी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक होता हमारे पास प्लाज्मा। एक होता है हमारे पास प्लाज्मा, हमारे पास यूज होता है कहाँ पर, लैपटॉप में भी यूज होता है हमारे पास प्लाज्मा। यूज होता है हमारा कहाँ पर, जो कैलकुलेटर वगैरह रहते हैं उनमें भी यूज होता है। एलईडी और ओएलईडी, आजकल आपने देखा होगा एलईडी में आपकी क्या टीवी भी आती हैं, वो हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड, जिसमें क्या होता है पावर कम कंज्यूम करता है। एक हमारे पास एमोलेड स्क्रीन होती है, जो जो हमारी कहाँ यूज होती है, मोबाइल में। मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, एमोलेड स्क्रीन कहलाती है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, रश्मि पांडे, इनपुट आउटपुट डिवाइस याद नहीं होती हैं। कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे याद होंगी। देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने आपको बताया हुआ था वैसे कि किस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि ये कौन है, ये यूजर है बेटा, ये कौन है, यूजर है, और ये कौन है, ये कंप्यूटर है। ये क्या है बेटा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये आपका कहाँ है, बाहर है, और ये मशीन कहाँ पर है, अंदर है। मशीन कहाँ है, अंदर है। जब बाहर का कोई भी डाटा जब अंदर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट बोलते हैं, ओके। और जब अंदर से डाटा कोई बाहर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब जो इनको ले जाता है उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो इनको लाता है वो हमारे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए, अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। हमारा डाटा है कहां जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। कौन ले जा रहा है, कीबोर्ड ले जा रहा है। तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। कैमरा से क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। तो यूजर का डाटा कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। माइक से क्या हो रहा है, यूजर का डाटा है जो बोल रहा है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो वो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। माइक क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। मॉनिटर है, मॉनिटर पर क्या होता है, यूजर को रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो अंदर से कोई चीज कहां आ रही है, बाहर आ रही है, तो क्या हुआ बेटा, आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रिंटर क्या देता है, हमें रेस्पॉन्स देता है, कहां आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, तो क्या हुआ प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस हुआ। क्या है, बिल्कुल तो सिंपल है, माउस। माउस से क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जा रही है। कौन ले जा रहा है, माउस ले जा रहा है, तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। वेब कैमरा से हम क्या करते हैं,
वेब कैमरा से वीडियो कॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं वीडियो कॉलिंग। तो जब वीडियो कॉलिंग करते हैं यूजर का फोटो कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो वेब कैमरा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। तो कितना सिंपल है याद करना, बिल्कुल सिंपल है याद करना, कुछ भी नहीं है, बस केवल आप समझ लीजिए जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है वो तो इनपुट डिवाइस होगा, और जो यूज कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हमारे लिए ला रहा है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। बिल्कुल शुद्ध भाषा में है। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया। अब आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी डिवाइस आपको इनपुट होती है, कौन सी आपकी आउटपुट होती है। बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए और आंखें बंद करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैमरा क्या करता है। केवल समझ लीजिए कैमरा करता क्या है, फोटो खींचता है। तो फोटो किसका खींच रहा है, यूजर का। तो यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो क्या हुआ दोस्तों, इनपुट हुआ। कितना सिंपल है। अब समझ में आया क्या, जल्दी से कमेंट में बताएं, क्लियर हुआ किसी का, किसी को याद करने की जरूरत है इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। बिल्कुल नहीं याद करना है, केवल समझ लीजिए। हमें इतना पता है कि कीबोर्ड क्या करता है, हमें इतना पता है कि कैमरा करता क्या है, माउस करता क्या है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं बेटा ये क्या करता है। केवल उसकी पर्सनैलिटी को समझें और आंसर दे सकते हैं। समझ में आया रश्मि, आ गया तो जल्दी से बताएं मुझे, प्लॉटर क्या है, प्लॉटर क्या होता है, इनपुट या आउटपुट। प्लॉटर क्या होता है, इनपुट या आउटपुट। प्लॉटर हमारा इनपुट की कैटेगरी में आता है, आउटपुट की कैटेगरी में आता है। जल्दी से कमेंट में बताएं, आउटपुट की कैटेगरी। बिल्कुल सही आंसर है आपका, आउटपुट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटर की क्वालिटी। तो मॉनिटर की क्वालिटी की यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास तीन कंसेप्ट यूज होते हैं। पहला होता है हमारे पास पिक्सल, पहला क्या होता है, पिक्सल। अब मॉनिटर की क्वालिटी की हम बात करें तो कंप्यूटर पर जो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो एक डॉट से बनती है। क्या बनती है दोस्तों, एक डॉट से बनती है। और वो डॉट हमारा क्या होता है, देखिए बेटा वो डॉट हमारा क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ये कंप्यूटर में जो हमारी इमेज बनती है वो क्या बनती है, डॉट से बनती है। क्या बनती है, डॉट से बनती है। ये क्या है, आपका डॉट है। इस डॉट को हम क्या कहते हैं बेटा, इस डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं इस डॉट को, इस डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पिक्सल कहते हैं। इस डॉट को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, जो हमारी एक इमेज को बनाता है। यह इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है अथवा यह स्क्रीन पर सबसे छोटी वृद्धि होती है। एक होता हमारे पास डॉट पिच, एक क्या होता है डॉट पिच। यदि मान के चलो हमारे पास कोई दो पिक्सल हैं, हमारे पास क्या है बेटा, कोई दो पिक्सल हैं। मान के चलो ये वाला पिक्सल दिया हुआ है और एक हमारे पास ये वाला पिक्सल दिया हुआ है। जब इन दोनों पिक्सल की यदि हम बात करें तो इन दोनों पिक्सल की जो बीच की दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। तो दो पिक्सलों की बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है, जिसको हम किस में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं। एक हमारे पास रिजोल्यूशन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। कहने का मतलब यह है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल। क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल। हमारी किसी भी इमेज को बनाने के लिए जितने पिक्सल का यूज किया जाएगा बेटा, उतनी हमारी पिक्चर क्या होगी, अच्छी दिखाई देगी। क्या होगी, अच्छी दिखाई देगी। क्योंकि पिक्सल की संख्या ज़्यादा होने पर क्या हो जाती है, हमारी इमेज की क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है पिक्सल की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, रिजोल्यूशन कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रिंटर। अब प्रिंटर की यदि हम बात करें तो प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर हमारा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका काम क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाता है। ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाता है। सॉफ्ट कॉपी कहाँ होती है हमारे पास, मॉनिटर स्क्रीन पर होती है। कहाँ होती है दोस्तों, मॉनिटर स्क्रीन पर होती है। अब मॉनिटर स्क्रीन को यदि हमें प्रिंट चाहिए तो हमें प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। और जब इस सॉफ्ट कॉपी को हम किसी कागज़ पर छाप देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, हार्ड कॉपी बन जाता है। क्या बन जाता है, हार्ड कॉपी बन जाता है। तो प्रिंटर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं,
हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा प्रिंटर? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं अभी हम। थोड़ा सा वेट कीजिए, बस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रिंटर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो कागज और हेड का जिनका डायरेक्ट संपर्क होता है वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रभाव छोड़ देते हैं, और ये इस कागज और हेड का कोई भी संपर्क नहीं होता है तो वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास रिबन का यूज किया जाता है और हेड होता है, जिस पर हमारा हेड पड़ता है रिबन पर तो हमारे अक्षर क्या हो जाते हैं दोस्तों? छप जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक होता है हमारे पास डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ये सभी क्या होते हैं? इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एक हमारे पास थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, अल्ट्रावायलेट प्रिंटर और 3D प्रिंटर। ये हमारी नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम रेलवे टिकट कटाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? हम टिकट कटाते हैं तो हमारे जो अक्षर हैं वो डॉट डॉट से मिलकर बने होते हैं। किससे? डॉट डॉट से मिलकर बने होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, जो आवाज़ कर जो क्या करते हैं, प्रिंट करने में आवाज़ भी करते हैं, बहुत ही नॉइजी होते हैं, शोर बहुत मचाते हैं। क्या करते हैं? शोर बहुत मचाते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। बच्चा जैसे शोर मचाता है उसी तरीके से ये प्रिंटर भी क्या करता है? प्रिंट करने में शोर मचाता है। तो यह प्रिंटर सबसे सस्ते तथा ज़्यादा शोर मचाने वाले होते हैं। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इनकी जो स्पीड होती है वो 30 से 600 CPS तक होती है। इसमें हमारे पास 9 पिन और 24 पिन के मॉडल के साथ आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील का मतलब क्या होता है? डेजी व्हील की यदि हम बात करें तो ये क्या होते हैं? धीमी गति के प्रिंटर होते हैं। थोड़ी स्पीड इनकी क्या होती है? डाउन होती है, लेकिन इससे छपने वाला जो प्रिंट होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका यूज हम लेटर छापने के लिए करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर होता है। क्या? जिसके अंदर एक पहिया लगा होता है, व्हील लगा होता है, उसके हिसाब से इसमें क्या होते हैं? अक्षर छपते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? डेजी व्हील होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लाइन प्रिंटर, जो क्या करता है? एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है। इस प्रकार के प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट कर देते हैं। इस प्रिंटर की छापने की गति 300 से 3000 लाइन पर मिनट तक होती है। क्या होती है? 3000 से 300 से 3000 लाइन होती है। तो जब इतना बड़ा काम करेंगे तो कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे बेटा? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किए जाएंगे, जहाँ पर इनको कंपनियों में यूज़ करते हैं सर्वर बनाने के लिए, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है संदीप। छोटे छोटे डॉट से मिलकर पिक्सल, छोटे छोटे जो डॉट होते हैं बेटा वही हमारे पिक्सल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं। रश्मि पांडे सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आप पढ़ते रहिए और एग्जाम निकालते रहिए, सो ही हमें क्या होगी? खुशी होगी। नेक्स्ट हमारे पास लाइन प्रिंटर। हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं बेटा। एक हमारे पास ड्रम प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? इस प्रकार के प्रिंटर प्रिंट हेड और कागज के मध्य में कोई भी संपर्क नहीं होता है। इस प्रकार के प्रिंटर छपाई करते समय आवाज़ भी नहीं करते हैं, जैसा हमारा सबसे पहला है थर्मल प्रिंटर। क्या होता है? थर्मल प्रिंटर। इसमें क्या होता है? इस प्रिंटर का जो प्रयोग करते हैं हम, वो कहाँ पर करते हैं? इन प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया समय ज़्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा, इसका हम ATM मशीन में यूज़ करते हैं। ATM मशीन से जो हमारी स्लिप निकलती है, उस स्लिप को यदि आप 10-15 दिन के लिए अपनी जेब में रख लो तो उस पर जो प्रिंट किया हुआ मैटर होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो वो हमारे पास प्रिंटर कौन से होते हैं दोस्तों? वो हमारे पास कौन से होते हैं? थर्मल प्रिंटर होते हैं। हर्ष वैसांदर सर, आपकी MCQs वाली क्लास बहुत अच्छी लगी, थैंक यू बेटा, थैंक यू हर्ष, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। ये हमारे पास थर्मल प्रिंटर होता है, जिसकी प्रिंट क्वालिटी हमारी क्या होती है? ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। जैसे आपने ATM की कभी आपने स्लिप निकाली होगी, तो उस स्लिप को आप कभी जेब में रख लो तो 10-15 दिन के अंदर वो क्या हो जाती है? उस पर प्रिंट किया मैटर क्या हो जाता है? बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो वो हमारा होता है थर्मल प्रिंटर। क्या होता है? थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर भी हमारा अच्छी क्वालिटी के लिए, प्रिंट के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास क्या होता है? लेजर प्रिंटर होता है। इसमें कार्टिज का यूज़ किया जाता है। क्या होता है?
कार्टेज का यूज होता है। इसमें क्या होता है, इससे अच्छी क्वालिटी का हमारा प्रिंट छपता है। यह 300 से 600 DPI तक या उससे अधिकतर रिजोल्यूशन तक छपाई करता है। और इसमें क्या, कलर प्रिंटर भी आते हैं, जो आजकल जो हम अच्छी क्वालिटी का प्रिंट लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेजर प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और इसकी स्पीड भी क्या होती है बेटा, फास्ट होती है। क्या होती है, फास्ट होती है। सबसे अच्छे प्रिंटर हमारा कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर ही होता है। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। संदीप सर, मेरे CPCD फर्स्ट अटैम्प्ट में 28 नंबर आए थे, इस बार निकालना है सर। बिल्कुल बेटा, आप निकाल सकते हो। YouTube पे हमारी वीडियो डली हुई है, जितने यदि आपने उन वीडियो को पढ़ लिया तो आपका CPCD निकल जाएगा। और हमारा योगिन क्लासेस एप्लीकेशन पर CPCT थ्योरी के लिए बैच चल रहा है और ऑब्जेक्टिव के लिए बैच चल रहा है। यदि आपने वो ज्वाइन कर लिया तो आपका CPCD निकलेगा नहीं, उड़ जाएगा। क्या होगा, उड़ जाएगा बिल्कुल। बेटा ATM में आपके थर्मल प्रिंटर लगे होते हैं, आपने देखा होगा ATM की जो स्लिप निकलती है उसको कभी आप जेब में रख लीजिए, तो कुछ समय बाद उस जेब में रखी हुई स्लिप में से मैटर आपका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वो हमारा क्या होता है बेटा, थर्मल प्रिंटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इसका प्रयोग कलर प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। यह धीमी गति की होती है, अधिकतर इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप फोटोग्राफी कर, जहाँ पर आप फोटो क्या होते हैं, फोटो स्टूडियो होते हैं, वहाँ पर जो प्रिंट निकालते हैं का हमारा फोटो निकालते हैं, वो कौन से प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं। और कभी आपने देखा ना, फोटो निकलते समय उसकी जो प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलते हैं। क्या निकलते हैं, धीरे धीरे निकलेंगे और क्या होगा, बिल्कुल धीरे धीरे निकलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं। एक हमारे पास होते हैं अल्ट्रावायलेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का यूज़ किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणों का यूज़ किया जाता है। सर जो प्रिंटर शॉप में यूज होता है वो कौन सा होता है, शॉप में यूज होने वाला प्रिंटर बेटा होता है हमारे पास लेजर प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। इस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। यह गोपनीय डाटा को रखते हैं, इस प्रिंटर के द्वारा की गई प्रिंट कागज पर दिखाई नहीं देती है। जैसे मान के चलो इसके द्वारा जो हम प्रिंट करते हैं वो कागज पर नहीं दिखाई देती, क्या कागज पर नहीं दिखाई देती, तो इसका जनरली हम यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए। क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर दिया हुआ है, वो है हमारे पास 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर आपने देखा होगा, जो हमारे पास आजकल आपने देखा होगा जो ये हमारी टी शर्ट है, इस टी शर्ट पे आपका लोगो छपा हुआ है, तो किससे छपा हुआ है, 3D प्रिंटर से छपा हुआ है। आपने देखा कि चाय पीने वाले कप आते हैं, उस पर हम अपना फोटो लगवा लेते हैं, हमारी डिजाइनिंग आ जाती है, बॉल होती है उस पर डिजाइनिंग हो जाती है, तो ये किसके द्वारा हो रहे हैं, ये हमारे पास 3D प्रिंटर के द्वारा हो रहे हैं। किसी भी सामग्री या वस्तु के ऊपर प्रिंट करना, जैसे मग हो गया, खिलौने हो गया, बॉल के ऊपर, इस प्रिंटर के द्वारा की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, 3D प्रिंटर कहते हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि CPCT के प्रिंटर का यूनिट क्या है, तो डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इनकी प्रिंटर की यूनिट क्या होती है, CPS होती है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर पर सेकेंड। एक होती है हमारे पास ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इनकी जो यूनिट होती है वो LPM होती है, जिसका नाम होता है लाइन पर मिनट। एक होती है हमारे पास लेजर प्रिंटर की, हमसे पूछा जाता है कि लेजर प्रिंटर की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हमारे PPM, जिसका होता है पेजेस पर मिनट, क्या एक बार में कितने पेजेस ये बना रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पेजेस पर मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर का रिजोल्यूशन। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन कई बार आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिंटर को प्रिंट, इसका प्रयोग प्रिंटर के रिजोल्यूशन किया जाता है, जिसको अपन DPI में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों, DPI में मापते हैं। किसमें मापते हैं, DPI में। इसका DPI किसका होता है, हमारे पास लेजर प्रिंटर और इंकजेट दोनों प्रिंटर की हमारी यूनिट क्या होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, DPI होती है, जिसको डॉटेड पर प्रिज्म में, डॉट पर इंच में मापते हैं। एक होता है हमारे पास प्लॉटर। प्लॉटर का जनरली यूज़ क्या होता है, प्लॉटर की यदि हम बात करें तो प्लॉटर हमारे पास बड़ा वाला प्रिंटर होता है, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कोई भी होर्डिंग्स वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपकी रास्ते में टंगी रहती हैं, तो वो किससे छपती हैं, आपकी प्लॉटर होते हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी का आपका ग्राफिक्स निकलता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। बेटा CPCT में एग्जाम के लिए आपको 38 नंबर लाना है। कितने लाना है, 38 आउट ऑफ 75।
75 नंबर में से आपको 38 नंबर लाना है। कितने? 38 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो आज का बेटा हमारा ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अभी। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। क्लास आपको कैसी लग रही है पढ़ने में? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि आपको बेटा प्रिंटर की यदि आपको कुछ देना हो, प्रिंटर के एमसीक्यूज देना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप प्रिंटर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन सभी को आप लगा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्रिंटर की क्विज का आपका लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप क्लिक करें और प्रिंटर के क्वेश्चन वहाँ से लगाएं। बेटा आपको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड आपकी बढ़ेगी। हर्ष बैसांदर बहुत अच्छी, थैंक यू। साक्षी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा बहुत। माही यादव सर बहुत बेस्ट, बिल्कुल थैंक यू माही यादव। रश्मि जी नोट्स सेंड कर देना। ओके सर, 38 नंबर कैसे लाएंगे? 38 नंबर लाने के बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से लाएंगे 38 नंबर। यदि आप पढ़ाई करोगे तो 38 क्या, 38 के आप डबल नंबर ले आओगे। 38 का डबल कितना होता है आप जानते होंगे, कितना होता है? उतने नंबर आप ले आओगे। रश्मि पांडे ओके, बहुत मज़ा आता है सर, बिल्कुल बिल्कुल मोहन मोर। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू माखन। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा अभी। बहुत मोस्ट बेस्ट पढ़ाया रश्मि पांडे, थैंक यू। डेविड सर टेलीग्राम में हैं आप? बिल्कुल है बेटा टेलीग्राम में, टेलीग्राम में है। CPCT MCQs नाम से भी हैं, और CPCT MCQ उसमें MPCPCT नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएंगे हम। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो बेटा। और किसी का कोई डाउट जल्दी से क्विकली बताएं, किसी का कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो जल्दी से बताएं। इस हार्डवेयर से 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल बेटा कवर करके जाना। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास को बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। और सुबह शाम को 5:15 पर आपका CPCT का MCQ होगा, और 6 बजे से आपका CPCT का थ्योरी बैच होगा। ये दोनों ही बैच में आप बिल्कुल लाइव रहें, आपका CPCT निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप देखना कितना मज़ा आता है पढ़ने में। थैंक यू।